Hello friends, this is D.K. Job. You are most welcome on your own channel Chemistry Panda. Today we are going to discuss about Beat the NEET Series 2024. और इस सीरीज में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर नॉर्मल चीज तो हमने काफी चर्चा करा काफी पढ़ा लेकिन अब मैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज यदि नीट यदि कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दे ज्यादा मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन पूछ दे या कुछ कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन पूछ दे तो हम क्या करेंगे ठीक है तो ये देखो आप अल्कोहल फिनॉल ईथर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये आपके पास कंपाउंड है ये देख लो साइक्लोहेक्सेन रिंग है यहां पे CH डबल बॉन्ड CH फिर CHO लगा हुआ है पूछ रहा है कि यदि ये H2PT से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा और सेकंड पार्ट है यदि ये NaDH4 के साथ करेगा तो क्या बनेगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है आप एकदम सीरियसली वीडियो को अच्छे ढंग से देखो बिना स्किप किए हुए तो H2PT से जब आप रिएक्शन करवाओगे तो डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा तो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड और CHO कन्वर्ट हो जाएगा किसमें CH2OH में तो यहां पे आपका बन जाएगा ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH व्हाट जब हम इसे सॉरी NaDH4 के साथ रिड्यूस कराएंगे तो NaDH4 के बारे में आपको पता है कि ये डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करेगा बट CHO ग्रुप को रिड्यूस कर देगा और रिड्यूस करके क्या बना देगा अल्कोहल तो यहां पर बन जाएगा बी में देखो डबल बॉन्ड अनअफेक्टेड रहेगा CH डबल बॉन्ड CH और ये हो जाएगा बेटा आपका CH2OH ठीक है नोट कर लो अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चले ठीक है बच्चों ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि ये साइक्लोहेक्सेन रिंग है और यहां पर डबल बॉन्ड वो लगा हुआ है मतलब पिटोनिक ग्रुप है और यहां पर क्या है एल्डिहाइड ग्रुप और इससे आपको ये कंपाउंड बनाना है तो आप कौन कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे वन क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन इसको आप कैसे लेके जाओगे देखो मैं आपको बता दे रहा हूं सबसे पहले इसको आप टॉरेंस रिएजेंट से रिएक्शन करवाओ टॉरेंस रिएजेंट का मतलब हो गया AgNH3O2 पॉजिटिव अच्छा आपको पता है कि टॉलरेंस रिएजेंट जो है तो कीटोन को कुछ नहीं करेगा लेकिन एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये आपको दे देगा डबल बॉन्ड और यहां पे हो जाएगा COOH ठीक है अब आप इसको करवा दो मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन CH3OH तो जब एसिड और अल्कोहल रिएक्शन करता है तो क्या बनता है एस्टर बनता है एस्टरीफिकेशन रिएक्शन It will give you double bond O COO CH3 ये ester बन गया आपका क्या बन गया ester बन गया अब आप इसको रिएक्शन करवा दो इस ester को मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3MgBr एक्सेस में ले लो और इसके साथ साथ आप ले लो H2O अपॉन H पॉजिटिव अच्छा आपको पता होगा कि जब इस्टर रिएक्शन करता है ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ तो टर्शियरी अल्कोहल देता है अच्छा ये ग्रिग्नार्ड एजेंट कीटोन के साथ भी रिएक्शन करेगा एक्सेस में है तो इसका मतलब ऊपर वाला कीटोन भी रिड्यूस हो जाएगा ज्यादा स्टेप पे जाने की जरूरत नहीं है यहां पे OH आ जाएगा यहां पर CH3 और नीचे में एस्टर है तो ये दो बार अटैक करेगा पहली बार एस्टर से कीटोनिक फॉर्म में आएगा और फिर कीटोन से अल्कोहलिक फॉर्म में आएगा तो ये फाइनली आपको दे देगा CH3OH तो यहां पर जो आपको क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन सा रिएजेंट यूज करना है तो वो आप बता सकते हो किस स्टेप में लेकर के चलना है तो आप वो भी बता सकते हैं ठीक है आप वो भी इसको बता सकते हैं कि कैसे ये होगा ठीक है नोट कर लीजिए हेलो एवरीवन नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ये एक रिएक्शन है CH3COOH थर्ड क्वेश्चन का जो है CH3COOH PCl5 के साथ रिएक्शन करता है फिर CH3OH के साथ रिएक्शन करता है
और ये देता है स्टेट देता है। जब आप इसको H3O पॉजिटिव और CH3OH के साथ भी रिएक्शन करवाते हैं तो ये स्टेट दे रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हिच पाथ इज नॉट रिवर्सिबल, कौन सा पाथ इसमें से रिवर्सिबल नहीं है, पाथ वन या पाथ टू। बेटा सबसे पहले ये देख लो कि ये जो एसिड है CH3COOH, जब ये PCl5 से करेगा तो क्या बनेगा, CH3COCl। अच्छा CH3COCl, फिर आप एसाइल क्लोराइड को अल्कोहल से रिएक्शन करवा दोगे, ये स्टर हो जाएगा। तो ये जो ऊपर वाला पाथ है ये हो जाएगा आपका इरिवर्सिबल। क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल मतलब फर्स्ट पाथ में PCl5 से रिएक्शन करके यहां पे दे देगा CH3COCl, फिर ये इसे रिएक्शन करके ये दे देगा। तो ये जो पाथ हो गया ये हो गया आपका इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। अच्छा जो सेकेंड रिएक्शन है वो क्या है, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन है। H3O पॉजिटिव मतलब H पॉजिटिव के साथ अटैक हो रहा है, तो एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन है, इसके बारे में मैंने कितने सारे वीडियो लेक्चर में डिस्कशन कर चुका हूं। ये एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन है, इसका नेचर क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल। तो ऊपर वाला पाथ हो गया इरिवर्सिबल और नीचे वाला पाथ क्या हो गया, रिवर्सिबल। अच्छा अब आप यहां पे देखो कि ये कंपाउंड है बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में आप गौर करके देखिए कि क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि यहां पर CH2OH है, यहां पर भी CH2OH है, ये OH ग्रुप है और ये एमाइड ग्रुप है, एमाइड ग्रुप है। अब इसको HCl के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, इसको HCl के साथ रिएक्शन करवाया जाता है और HCl के साथ रिएक्शन करवाया जाता है CCl4 के प्रेजेंस में, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में इसको करो क्या, पूछ रहा है फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। जब आप इसको HCl के साथ हाइड्रोलाइसिस करवा दो, क्या करवा दो, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस करवा दोगे तो ये आपको ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है आपका, तो CH2OH यहां पर भी बेटा क्या हो जाएगा, CH2OH, दिस इज OH, और ये जो CONH2 था ये हाइड्रोलाइसिस होकर क्या दे दिया, COOH, क्या दे दिया, COOH, COOH। अब ये COOH है, अब क्या करेगा कि यहां पर हो जाएगा आपका नेक्स्ट स्टेप में इंट्रामोलिकुलर एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। अब तुम कंफ्यूज करोगे कि ये एस्टर है, ये OH ग्रुप है, ये एस्टर है, ये OH ग्रुप है, ये एस्टर है, ये OH ग्रुप है, किसके साथ करेगा। तो सबसे पहली बात ये मान लो सॉरी कि ओनली 5 और 6 मेंबर रहेगा थर्मोडायनामिकली स्टेबल, ये आपस में कर जाएगा इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन में, तो यहां पर बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा CH2OH, यहां पर आप OH छोड़ दो और इधर बन जाएगा आपको O ये बन जाएगा, ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो ये मैं उस टाइप का क्वेश्चन लिया हूं जो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया मिसलेनियस कॉन्सेप्चुअल टाइप नीट में, बाकी नॉर्मल तो सब कुछ आपको बता ही चुका हूं, करो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि हमारे पास ये कंपाउंड है साइक्लोहेक्सेन, यहां पे कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है और यहां पे एसिडिक लगा हुआ है। पूछ रहा है कि जब आप इसको NaBH4 से रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बनेगा। आपको पता है कि NaBH4 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है तो कीटोनिक ग्रुप को रिड्यूस कर देगा, बट इतना भी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है कि एसिड को रिड्यूस कर पाएगा। तो यहां पे बनेगा क्या, यहां पे बन जाएगा सिंपली
ये हो गया कीटोनिक ग्रुप, हो जाएगा एच ओ एच, और यहां पे आपको रह जाएगा सीधे सीओ ओ एच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सीन है एक तरह से, हेक्सीन साइक्लोहेक्सानोन और हेक्सीन दोनों है, मतलब सीओ भी है और डबल बॉन्ड भी है। कह रहा है कि ए एक ऐसा रिजिड आपको ढूंढना है कि जो डबल बॉन्ड तो इंटैक्ट रहे बट सीओ ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाए, ओएच में, और बी में एक ऐसा रिजिड ढूंढना है कि डबल बॉन्ड और ये दोनों रिएक्ट कर जाए। तो सबसे पहले हम ए की तरफ चलते हैं। देखो ए में क्या है कि ये साइक्लोहेक्सानोन है, उसके साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है और यहां पे रिड्यूस होकर के क्या दे रहा है, ओए। तो हमें एक ऐसा रिएजेंट की तलाश है जो सिर्फ कीटोन को रिएक्शन करे और डबल बॉन्ड को, इसके लिए आपको एल आई एल एच फोर बेटर रहेगा। तो ए में आप ले लो कि एल आई ए एल एच फोर, इसके क्योंकि एल आई एल एच फोर क्या करता है कि डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करता है, इट डज नॉट अफेक्ट डबल बॉन्ड, तो ये हो गया इसके लिए। अच्छा बी में आपको एक ऐसा रिएजेंट चाहिए जो डबल बॉन्ड को भी अफेक्ट करे और कीटोनिक ग्रुप को भी, तो आप यहाँ पे ले लो H2PT, जो डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा और कीटोनिक ग्रुप को भी रिड्यूस कर देगा। नोट डाउन, बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास कि ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर को आपको देखना है। तो आप इसको ऐसे देख लो कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे ए पर भी NO2 ग्रुप लगा हुआ है। अच्छा आपको मैं बता देता हूं कि NO2 ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग इन नेचर है, तो ये इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर रहा है, ये भी ड्रॉइंग है। अच्छा ये देने वाला है, ये नॉर्मल है। तो सबसे पहले बात कि ए एंड बी दोनों ही कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ, तो इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीविंग ग्रुप है, एसिडिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। अब सवाल उठता है कि ए और बी दोनों में NO2 ग्रुप है, ए पर जो NO2 ग्रुप है इसका ड्रॉइंग इफेक्ट है, लेकिन बी में क्या है कि ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना लेगा। ठीक है, इसकी ए ज्यादा एसिडिक हो जाएगा ए, देन बी। अच्छा डी और सी में यहाँ पे कोई देने वाला ग्रुप नहीं है, तो डी ज्यादा एसिडिक, देन सी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक कंपाउंड दिया गया है। अच्छा ये बेंजीन पे CH CH3 CH3 लगा हुआ है, O2 के साथ रिएक्शन करके A दे रहा है और A H+ by H2O के साथ रिएक्शन करके फिनॉल और एसीटोन दे रहा है। क्या दे रहा है, फिनॉल और एसीटोन। अब आपको करना क्या है कि यदि तुम गौर करके देखो तो ये प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल है फ्रॉम क्यूमिन, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमिन या आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो जब आप फर्स्ट स्टेप की बात करते हो और इसको O2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो बताओ O2 के साथ जब आप रिएक्शन करवाओगे तो इट विल गिव यू CH3 CH3 OOH। देखा, ये हो गया आपका A, क्या हो गया ये आपका A हो गया। ये देखा, अब आप इसको, अच्छा इसका नाम यदि आप देखो तो इसका नाम है क्यूमीन, या इसको आप बोल सकते हैं दूसरा नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अच्छा ये एनसीईआरटी का ही है रिएक्शन। अच्छा इसको बोलोगे आप क्यूमीन पेरोक्साइड या क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अच्छा अब आप इसको रिएक्शन करा दीजिए H+ by H2O, तो ये प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल है। तो यहां पर आपको अभी मैकेनिज्म में नहीं जाना है, ये फिनॉल दे देगा और फिनॉल के साथ यहां पे आ जाएगा एसीटोन CH3 CO CH3। नोट डाउन, कर लिए नोट। ठीक है, तो बीट द नीट सीरीज में
आज हमने अल्कोहल फिनॉल ईथर का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कशन करा। आगे की फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। थैंक यू।